हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से. स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रोज नहीं होते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने में टाइम लगता है. हर रोज अगर आप ये समझिए कि इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स नहीं हो सकती है कि जिससे एक पूरा वीडियो बनाया जा सके, तो ये सारे के सारे सिलेक्टिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. करेंगे सब्सक्राइब तो इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे. एग्जाम में, किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में, करंट अफेयर्स का सेक्शन कॉमन रहता है. आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो. रिवीजन तक रुकिएगा, दैट मींस आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए. पहले नाम बताऊंगी, बाद में मैं ये याद कराने की कोशिश करती हूँ कि एक नाम को तीन चार बार सुन के शायद याद हो जाए. पहले पॉइंट से जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. पहला पॉइंट किस बारे में है देखते हैं. पहला पॉइंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में है. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में है 2018 की, जो दुबई यूएई में हुई. यहां पर क्वेश्चन ही देख लीजिए, वेन्यू पूछ रहा है आपसे. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2018 कहां पर हुई, ये क्वेश्चन है. आपने आंसर लिखना है दुबई यूएई. याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, दुबई यूएई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. एग्जाम वॉरियर्स, बहुत प्रमोशन चल रहा है, आपने शायद सुन भी लिया होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की किताब है, इसीलिए आपको याद करना और जरूरी हो जाएगा. किताब का नाम एग्जाम वॉरियर्स, ऑथर्ड बाय मिस्टर मोदी. मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री मोदी, तो याद रखिएगा मैंने कहा मोदी जी की किताब है एग्जाम वॉरियर्स, नाम आपको भूलना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13th February. याद रखना है कि 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है. मैंने क्या बताया, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम है इंडिया जीत गई आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप. क्वेश्चन हर बार बोलती हूं, किसको हराया, वर्ल्ड कप कहां पर हुआ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, या फाइनल में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो मैन ऑफ द मैच कौन था. वन बाय वन इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आंसर करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर. पहला क्वेश्चन, इंडिया ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को. क्या याद रखना है पहले आपने, इंडिया ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को किसमें, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, बहुत बड़ी बात है. तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के. पहला क्वेश्चन, मैच हुआ कहां है, मैच हुआ कहां है, न्यूजीलैंड में. ये आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख पा रही हूं. मैंने क्या बताया, इंडिया ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड में मैच हुआ था. नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं, यहां पर आपको बता रही हूं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपको याद रखना जरूरी है. मैंने बोला देखिए, अगर हम बात करेंगे सिर्फ मैन ऑफ द मैच की, तो मनजोत कालरा का नाम याद रखिएगा, वो सिर्फ मैन ऑफ द मैच की बात हो रही है यहां पर. लेकिन आपको जो याद रखना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज, शुभ नाम शुभमान गिल. तो शुभमान गिल है इनका नाम, जो मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है. तो शुभमान गिल इनका नाम है जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है. दोबारा सुनिए, इंडिया ने हराया ऑस्ट्रेलिया को पहला, हमने कहा वर्ल्ड कप अंडर 19 का हुआ न्यूजीलैंड में, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा आपको बताया था मैंने कि जो मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है शुभमान गिल, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू टेक 200 ओडीआई विकेट्स. अब वनडे इंटरनेशनल में 200 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर जिनका नाम है झुलन गोस्वामी. नाम क्या याद रखेंगे आप, झुलन गोस्वामी. वैसे ही बहुत फेमस हैं ये, आपने इनके बारे में सुना होगा. तो झुलन गोस्वामी इनका नाम है. तो 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स, पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने रजिस्टर कराया इतनी बड़ी चीज में अपना नाम, 200 ओडीआई विकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे टू सेट अप न्यू कोच फैक्ट्री. तो रेलवे अपनी एक नई कोच फैक्ट्री, कोच बनाने वाली फैक्ट्री लगा रहा है लातूर में, और लातूर इज इन महाराष्ट्र. याद रखिए, लातूर में फैक्ट्री लग रही है और लातूर कहां पर है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन. ये पढ़ के आगे लिखा है कन्फर्ड ऑन, तो ये है बेसिकली एक अवार्ड. पैलेस्टाइन की बात हो रही है, महमूद अब्बास जहां के प्रेसिडेंट है. क्या याद रखेंगे, सुनिए मेरी बात,
ये एक अवार्ड दिया गया इंडियन पर्सनालिटी को। अब किसी इंडियन पर्सनालिटी ने इंडिया के और पैलेस्टाइन के जो रिलेशंस है उनको सुधारने का काम किया, उस इंडियन पर्सनालिटी को अवार्ड दिया गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का। पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट का नाम बताया, महमूद अब्बास, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और ये अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को, क्या बताया मैंने, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड दिया गया मिस्टर मोदी को। और किस चीज के लिए, मैंने आपको बता दिया, ये इसलिए कि इन्होंने इंडिया और पैलेस्टाइन के बीच में रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काम किया। तो वर्ल्ड कैंसर डे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, 4 फरवरी ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नाम है इनका निकोस एनेस्टेसियाडिस, निकोस एनेस्टेसियाडिस रीवेंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन। यहां पर ये देखिए, नाम डिफिकल्ट है ये नहीं देखना है आपने, इसके अलावा और भी चीजें हैं। मैंने आपको बताया इन्होंने साइप्रस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा जीत लिया है, इंपॉर्टेंट बात है, रीवेन लिखा है मैंने, दोबारा जीत गए हैं, इसका मतलब यही दोबारा बन गए प्रेसिडेंट। नाम क्या बताया सुन लीजिए, निकोस एनेस्टेसियाडिस। और साइप्रस की बात हो रही है, साइप्रस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को दोबारा से जीत गए, साइप्रस इज द नेम ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 रैंक ऑन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। स्टेट्स की बात हम यहां पर कर रहे हैं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट ने हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप किया है, नंबर 1 पे रही, वो स्टेट है केरला। याद रखिएगा, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है, केरला को रेफर कर रहे हैं कि केरला इसके अंदर नंबर 1 रैंक मिला है। और ये रिपोर्ट, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट बनाने वाला नीति आयोग, केरला नाम मत भूलिएगा। कमिटी ड्राफ्टिंग द न्यू एनईपी, व्हाट्स दैट एनईपी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने की बात चल रही है, और के कस्तूरी रंगन कमिटी है जो ये काम करेगी। मैंने क्या बताया, दोबारा सुन लीजिए, के कस्तूरी रंगन। अब आप ये समझ गए होंगे कि जब मैं ये बोल रही हूं तो ये किसी का नाम बोल रही हूं, तो के कस्तूरी रंगन कमिटी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट, सिंगल रनवे एयरपोर्ट और बिजिएस्ट भी वर्ल्ड का बिजिएस्ट, यहां पर हम मुंबई एयरपोर्ट को रेफर कर रहे हैं, जिस मुंबई एयरपोर्ट को आप छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, मुंबई एयरपोर्ट, दैट मीन्स हम मुंबई की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट, याद रखिए, मुंबई एयरपोर्ट। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये याद रखिएगा, मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, याद रखिएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट 2016-17 की बात हो रही है एज पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने आंकड़े दिए, इनके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.1% 7.1% बताया गया। सुनिए दोबारा से, जीडीपी का ग्रोथ रेट 16-17 के लिए किसके अनुसार, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 7.1% का। ईयर याद रखिएगा पक्का से, हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की और बैंक रेट की। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेपो रेट 6, रिवर्स रेपो रेपो से कम होता है, तो रिवर्स रेपो 5.75, पौने 6, रेपो 6, रिवर्स रेपो पौने 6। अब यहां पे बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, तो 6.25%, बैंक रेट सेम है 6.25% है। अब ये बात किसकी हो रही है, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी जब रिव्यू होता है तो ये रिजल्ट्स आते हैं और ये आपको पढ़ने होते हैं। तो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर रेपो 6, रिवर्स रेपो पौने 6, और उसके बाद मैंने बोला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25% और बैंक रेट 6.25% अगेन। रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से और जल्दी।
हमने कहा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई, एग्जाम वॉरियर्स लिखी गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जीता, हरा के ऑस्ट्रेलिया को। वर्ल्ड कप पहली, वर्ल्ड की पहली फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स लिए, ऐसा रिकॉर्ड बनाया, वो है झुलन गोस्वामी। रेलवे जो अपना नया कोच फैक्ट्री लगा रही है लातूर में, और लातूर महाराष्ट्र में है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी जी को पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम महमूद अब्बास है, ने दिया। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। निकोस एनेस्टेसियाडिस जिन्होंने जीता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा से साइप्रस का। नंबर वन रैंक नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट केरला को दिया गया। कमिटी जो ड्राफ्ट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, कस्तूरी रंगन कमिटी। वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट। नेक्स्ट याद रखिए क्वेश्चन, जीडीपी ग्रोथ रेट 2016-17 का सीएसओ के अकॉर्डिंग 7.1%। उसके बाद रेपो रेट, अब ये बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, तो रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25% और बैंक रेट भी 6.25%। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।